हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज हम सीखने क्या जा रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि हमें फॉर्मूलेस कैसे डिराइव करने हैं, कैसे लर्न करने हैं, कैसे उन्हें सीखना है। ठीक है, मोस्टली फॉर्मूले में क्या जाता है, सिमिलैरिटीज़ है, इस वजह से हमें क्या होता है, हम लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ का वहाँ कर देते हैं, यहाँ का वहाँ कर देते हैं। पर हम आज क्या करेंगे, आज हम सारे फॉर्मूलेस को देखेंगे, कैसे हम डिराइव करेंगे उनको, ठीक है, जिससे आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऐसे ही फॉर्मूले रट जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक क्या है, ये आपके लिए फॉर्मूला शीट है जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो भी इस चैप्टर के मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये सिर्फ है कंसंट्रेशन से रिलेटेड, इस सारे फॉर्मूले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे जिसमें फॉर्मूलेज है, पर ये जो है ये आपका बेसिक कवर करते हैं पूरे फॉर्मूलेज। ठीक है, तो हम इनको डिराइव करना सीखेंगे यहाँ से। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किसका, हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज को हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देख सकते हैं इससे। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, जिसका भी वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसका भी वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसका आप ऊपर रखोगे। सपोज दैट लेट हम यहाँ पर ले रहे हैं ए, मतलब सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। ठीक है, ये लाइन हुआ आपको सिंपल सा, मींस क्या, हमें ए का निकालना था। ठीक है, हमें ए का निकालना था, ए का सॉल्वेंट का, तो हमने यहाँ पर ए का कंपोनेंट रखा अपॉन टोटल, इसको हम और करके हम इसको टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो टोटल वेट होगा हम उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिमिलर तरीके से हम वॉल्यूम का भी बनाएंगे, हम वेट बाय वॉल्यूम का भी बनाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बाय वी परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है बी का, लेट बी का निकालना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका रखेंगे ऊपर वॉल्यूम, बी का, हमें जिसका निकालना हो हम उसका रखेंगे। याद रखना यहाँ पर हम रखेंगे वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम टोटल, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मींस क्या, हमने आपको होता है डिटेल में तो पहले बता दिया था, ये जनरली किन चीज़ में यूज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ बनती है मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन में आपने देखा होगा जहाँ आप दवाइयों के पीछे लिखा रहता है कि किसमें कितना कंसंट्रेशन है, कितना ग्राम है, तो उसमें जो यूज़ होता है वो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, जो आप ये देख रहे हो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये यूज़ होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं क्या, जैसे हमें दिया है ऊपर क्या दिया है, आपको देखो ऊपर आपको दिया है वेट, ठीक है, नीचे आपको दिया है वॉल्यूम, तो हमेशा नीचे क्या आएगा, हमेशा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमेशा नीचे आएगा वॉल्यूम टोटल। ठीक है, इसमें आपको वॉल्यूम टोटल आएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो हम नीचे क्या देख रहे हैं, नीचे वॉल्यूम है। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर ये देखो ये क्या है, ऊपर वेट, तो आप यहाँ पर वेट ऑफ ए भी रख सकते हो, अगर हम ए का निकालना है वेट ऑफ बी भी रख सकते हो इनटू 100, आपको सब में करना है। ठीक है, आपको इसे क्या समझ आया कि हमें हमेशा अपॉन में वॉल्यूम रखना है, और ऊपर हम क्या करेंगे, जिस भी कंपोनेंट का हमें चाहिए ए और बी का, हम उसका वेट रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट अभी हमें क्या ड्राइव करना है, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, चलिए ठीक है, हम फिर से शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो हम सबसे पहले यहाँ मोलैरिटी लेते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमारा था सिंपल सा एक बेसिक फार्मूला। ठीक है, बेसिक फार्मूला था,
इससे हमें पूरा हमें फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं जनरली हमें ओवर ड्राइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका देखो एन मीन्स क्या होता है, आप एन मीन्स यहाँ पर देख लो, ये होता है आपका मोल, ये होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो हम मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हमें क्या बचा, वॉल्यूम, यह है 1/V इन लीटर। अगर हम लीटर की बात करें तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है, याद रखना। अगर हम लीटर की बात कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला ये वाला रहेगा। अगर हमने यहाँ पर बोल दिया हमें ml में चाहिए, ठीक है, तो ml के लिए हम क्या करेंगे, ml में हम क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इन टू वी इन ml, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या था आपका यहाँ पर मोलैरिटी में, सॉल्यूशन, ठीक है। देन हमें लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हम 1000 कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम में 1000 का हमने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, तो देखो ये क्या हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। तो जो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन VML, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका है आपका, सॉल्यूशन को। तो आपको ये याद रखना है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वी इन एमएल, वी इन एमएल मतलब ये मिलीलीटर में है, ठीक है। इसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना है, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर और करके, मोलैरिटी इक्वल्स टू 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये आप मान लीजिए कि जो ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लो आपकी इस फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे मोलैरिटी रिलेटेड, मोलैरिटी से रिलेटेड, सब आपके इस फार्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला तो लर्न ही करना है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमने बात की थी मोलैरिटी की। एक और चीज़ याद रखें, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी की यूनिट्स होती है मोल पर लीटर, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो 1000 और मॉलिकुलर वेट तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो ऊपर बच्चा वेट, वेट अपन मॉलिकुलर वेट को हम बोल देंगे मोल, क्योंकि अलग अलग देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो हम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को बोल देंगे मोल और वॉल्यूम को हम बोल देंगे लीटर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी हम आगे जाके इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक, सॉरी, अब हम देखेंगे क्या मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है, याद रखना, चलो ठीक है। इसका हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आएगा मोल के लिए आ जाएगा एन, मोल के लिए आ जाएगा एन, अब यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा वेट, ठीक है। हम वेट पढ़ रहे थे, याद है आप सबको, ठीक है। अब देखो अब हमें इसे डिराइव करना है, तो हम सिंपल सी बात है, हम एन की जगह पे क्या ले सकते हैं, मोल का फॉर्मूला ले सकते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे केजी में, ठीक है। अगर आपकी बात होती है कि आपको केजी में लेना है, तो आपका जो मोलारिटी का फॉर्मूला है वो ये वाला आएगा। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको उसे ग्राम में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, वेट भी सेम रहेगा, मॉलिकुलर वेट भी सेम रहेगा, इनटू 1000 का हम यहाँ पर इनटू कर देंगे, मींस
ये जो वेट हो जाएगा ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है। हम वेट में 1000 का डिवाइड कर दें, ये यहाँ पर 1000 का इंटू कर दें, दोनों बात एक ही है, तो हमने यहाँ पर 1000 का इंटू किया, तो ये हो जाएगा हमारा मोलैलिटी का नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, ग्राम के लिए। अब एक एक रिलेशन है किसमें, मोलैलिटी और मोलैरिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैलिटी और मोलैलिटी मतलब कैपिटल और स्मॉल एम में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप लिख सकते हो स्मॉल एम इक्वल्स टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब 1000 ये है आपका मोलैरिटी, ठीक है, डी मीन्स है डेंसिटी, एम मीन्स मोलैरिटी, और ये है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये भी आपका बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लो, ठीक है। तो आपको सिर्फ कितने फार्मूले याद रखने, सिर्फ तीन फॉर्म आपको, एक ये याद रखना है, इससे आप सारे फार्मूले बना सकते हो, ठीक है, और ये आपको लर्न ही करना होगा। कैसे, 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसकी यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, यूनिट भी आप सबकी याद रखें, मोल पर केजी, देखो कैसे, ये आप देख सकते हो कि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को हम क्या कहते हैं, मोल, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं हम, मोल। 1000 तो कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेट, वेट को हम किस में मेजर करते हैं, केजी और ग्राम में, इसलिए हमने क्या कर दिया, मोल पर केजी, ये था मोलैलिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने बच्चों, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या समझ रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, ग्राम इक्विवेलेंट को हम कहते हैं, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो आपने क्या किया था, ग्राम मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट को डिजॉल्व किया था किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट है कितना है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये अलग से देखेंगे, तो अभी ये देखो, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमने ऐसे रहने दिया, इनटू लीटर को एमएल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या देखना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का आप एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। अब आप पूछोगे कि ये वैलेंस फैक्टर क्या होता है, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा भी वैलेंस फैक्टर क्या होता है, मॉलिकुलर वेट तो सब जानते हैं क्या होता है, पर वैलेंस फैक्टर क्या होता है, तो वैलेंस फैक्टर क्या होता है, देखो हम यहाँ एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर लिया NaCl, NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो या एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, तो ये ब्रेक तो होगा होगा, जब ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अभी आप पूछोगे कि ये ऐसा क्यों, ऐसा प्लस क्यों, माइनस क्यों, वन ये क्यों, टू ये क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले ये देखो कि Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ठीक है। अब देखो Na प्लस में क्या होगा, जब आप ये चार्ज देखो, अभी आप चार्ज पे ध्यान दो, ऊपर ये जो चार्ज है दोनों में, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये प्लस वन है, इसमें कुछ नहीं लिखा, मतलब माइनस वन है, ठीक है। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं किसका,
हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, ए एल टू एस ओ फोर का होल प्राइस, ठीक है। ये तो आपको लर्न ही करना होगा, आपको पता है कि फॉर्मूले जो हम बनाते हैं वो हम पीरियोडिक टेबल के बेसिस से हम यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस शीट से, ठीक है। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, देखो हम ब्रेक करना भी यहाँ पर सीखते हैं कि हमें किसी भी कंपाउंड को जब ब्रेक करना होता है तो हम कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो आपको यहाँ पर ये नीचे दिख रही है दोनों में, ठीक है, पहले तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर ए एल लिख लो और एस ओ फोर लिख लो, ठीक है, ये रहने दो, ठीक है। पहले हमें देखना है कि इसके आगे के नंबर्स क्या आएंगे, तो आगे नंबर्स आएंगे जो जितने हमने यहाँ पर ये लिए हैं, ये सही टू ये थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ए एल, ये आ जाएगा थ्री एस ओ फोर, ठीक है। हमने यहाँ पर ए एल टू लिए थे, नीचे आया है, हमने सामने लिख दिया, एस ओ फोर थ्री लिए थे, तो यहाँ पर थ्री एस ओ फोर हो गया, ठीक है। अब रही चार्ज की बात, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज के लिए देखो जो इसमें थे ये टू वो इसका चार्ज बनाएंगे, जो इसमें ये थ्री हैं ये इसका चार्ज बनाएंगे, मतलब देखो एस ओ फोर कितने थे थ्री, हमें ये तो पता है कि ए एल प्लस थ्री का वो प्लस का होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस थ्री, ठीक है। ए एल टू कितने थे दो, ठीक है, एल कितने थे दो, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम कर देंगे माइनस टू, मतलब जो चार्ज होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, जो ए एल होता है वो एस ओ फोर का चार्ज बनाएगा, जो एस ओ फोर होगा वो ए एल का चार्ज बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम वैलेंस फैक्टर ऑफ एन ए सी एल पूछे तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, इसके लिए हमारा जाएगा वन, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी वन है ये भी वन है, दोनों वन वन है, ठीक है। अगर हम पूछें ए एल टू एस ओ थ्री का वैलेंस फैक्टर कितना होगा, तो आप देखो जो ये चार्ज है इन दोनों का ज़्यादा कौन सा है, हमें साइन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मतलब सिर्फ नंबर्स देखने हैं कि दोनों में से नंबर किसका ज़्यादा है, प्लस थ्री या माइनस टू, तो कितना ज़्यादा है थ्री, हमें चार्ज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें नंबर्स देखने हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो जो ये क्या है, ये थ्री है ये टू है, तो हमारे यहाँ पर थ्री ज़्यादा है, तो इसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा आपका थ्री, तो ये होता है आपका वैलेंस फैक्टर। तो अगर हम यहाँ पर जिसका भी हम यहाँ पर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिया मान लो एन ए सी एल, ठीक है, तो एन ए सी एल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 58.5, उसके बाद वैलेंस फैक्टर हमने यहाँ पर निकाला वन, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये बाद में लर्न रहे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। अभी हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हम इसको कैसे लेते हैं, ये जो है बैलेंस फैक्टर, ये बैलेंस फैक्टर हम कैसे लेते हैं, ठीक है। चलो वापस फॉर्मूले पे आ जाएं हम, देखो ये हमने सीख लिया, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिखते हैं, मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमेशा डिवाइड के अपॉन में होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है, ये ml में, सॉरी यहाँ पर ये भी ml में है, ठीक है, वॉल्यूम इन ml, किसका सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, किसका स्टूडेंट, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, ठीक है, याद रखना सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम अभी नॉर्मलिटी में। अब देखो ये बैलेंस फैक्टर यहाँ जाएगा, तो हमारा जब ऊपर जाएगा बैलेंस फैक्टर, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा शॉर्ट में, वेट इनटू बैलेंस फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो देखो आपको कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको ये याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, मतलब इसमें आपको जो जो पढ़ना है आपका सब इम्पॉर्टेंट है सब, क्योंकि आपको देख रहे हो आप यहाँ पर कि आपको हर एक चीज़ इसमें अलग दिख रही है, कुछ इसमें सिमिलर नहीं है ना ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा टफ है पर इतना भी टफ नहीं है, ठीक है, हम कर सकते हैं, ओके। तो आपको ये इजीली क्या करना है, इस तरह से देखना है, ठीक है। इसका आप एक और फॉर्मूला है, हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे, क्या यहाँ पर आ जाओ, चलिए यहाँ देख लेते हैं,
अभी हम नॉर्मैलिटी में ही देखेंगे नॉर्मैलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे अभी हमने मोलारिटी और मोलारिटी में पढ़े थे फॉर्मूले, आपको याद होंगे। अभी मोलारिटी का क्या था, 10D इंटू वेट परसेंटेज अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है। और मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या था, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, याद रखना। अब देखो हम यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, 10 d इंटू वेट परसेंटेज अपॉन, आपको याद होगा मोलैरिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोलैरिटी में यहाँ पर क्या था, मॉलिकुलर वेट, पर ये तो नॉर्मैलिटी। हम यहाँ पर क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे इक्विवेलेंट वेट, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है रिलेशन इन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी, ठीक है। ठीक है, मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी, ओके। तो आपको जब भी आप याद रखो, जब भी आपको किसी भी चीज़ का रिलेशन निकालना हो, जैसे आपको इन फ्यूचर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी में भी रिलेशन निकालना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए दोनों के फॉर्मूलेज लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है, सिंपल। जैसे अभी हम देखो, अभी हम करते हैं, चलिए ठीक है। देखो पहले हम यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसका, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन क्या था आपका, इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिखते हैं, मॉलिकुलर वेट अपॉन में बैलेंस फैक्टर आके ऊपर चला जाता है, ऊपर इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। हम यहाँ पर वॉल्यूम किसका लेते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन का, ठीक है। आपको सब कुछ याद रखना है, कुछ नहीं भूलना है, ओके, ठीक है। अब देखो सपोज इसको हम इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 2, ठीक है। हम यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब m जो होगा डिवाइड बाय n हो जाएगा इक्वल्स टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बोलो जल्दी से, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब देखो अगर हम नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला अपॉन में लिखते हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पर आ जाएगा क्या, वेट इनटू वैलेंस फैक्टर अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। इतना क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट वैसे तो नहीं होगा, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आगे, 1000 से 1000 कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, ठीक है, मॉलिकुलर वेट से मॉलिकुलर वेट कैंसिल, तो आपका बचा क्या, अब देखो अब आपका बचा क्या, अब आपका बचा m बाय n इक्वल्स टू, ये वेट है, ठीक है। वेट के जब आप अपॉन में लिखोगे तो यह आ जाएगा आपका अपॉन में, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, वेट इनटू वैलेंस फैक्टर्स, बाकी सब आपका कैंसिल हो चुका है, आप देख सकते हो। सिर्फ आपका बचा क्या क्या है, यहाँ पर देखो क्या बचा है आपका, ये वेट बचा है और ये वेट इनटू बैलेंस फैक्टर बचा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसमें से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, वेट से वेट कैंसिल, बचा क्या, क्या बचा स्टूडेंट यहाँ पर, बैलेंस फैक्टर। अब देखो ट्रिक, ठीक है, अब ट्रिक क्या है, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू 1 बाय बैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, कितनी शानदार ट्रिक है, ठीक है। कैसे, अब देखो अगर हमें यहाँ पर मोलैरिटी मिलती है, ठीक है, इस अगर हमें किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी मिलती है
तो हम उससे नॉर्मैलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मैलिटी मिलती है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों का रिलेशन ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी को भी, ठीक है। क्या है रिलेशन? नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी क्या? ग्राम मोल पर ml, जो हम नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं बेसिक सा, उसकी यूनिट ये रहेगी हमेशा, ठीक है। तो अभी हमने देखे थे कि हमने फॉर्मूले कैसे डिराइव करने हैं, कैसे बनाए हैं, तो हमने अभी देखे फॉर्मूले सीखे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे न्यूमेरिकल, जिससे आपकी जो न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो आपके फॉर्मूले हैं जो आपने अभी आपको अच्छे से लर्न नहीं हुए होंगे, सिर्फ बेसिक नॉर्मली याद हुए होंगे, तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।